नो मूवमेंट, जो जाए वही रुक जाए। रेडी सैम, ओके ऑन सेट सर इज स्पीड, कैमरा रोलिंग 33.3 एक्शन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जहां खड़े हैं वो स्कूल है अपने आप में एक बालाजी स्कूल, जाट गांव महेंद्रगढ़ का। लेकिन वहां पर आप पीछे देख रहे होंगे कुछ कलाकार साथी हैं जो लंच कर रहे हैं। ये लंच ब्रेक है, यहाँ शूट हो रहा है, शूटिंग चल रही है। किस फिल्म की शूटिंग चल रही है और कौन कौन यहाँ कलाकार हैं, किसकी क्या अहम भूमिका है, और ये जो शूट हो रहा है, ये जो शूटिंग चल रही है, ये कब ख़त्म होगी और कब ये मूवी जो बन रही है ये रिलीज होगी, इसके बारे में हम जानेंगे हरिओम कौशिक जी से। हरिओम कौशिक जी, जिनसे हम पहले भी आपके हमारे दूसरे चैनल शमशेर कौशिक पर मुलाकात करवा चुके हैं, आप उनका इंटरव्यू पूरा देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका इंटरव्यू का लिंक मिल जाएगा। बाकी विशेष बात यह कि हरिओम कौशिक जी जो महेंद्रगढ़ शहर के ही हैं, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, जो जाट गाँव है यहीं से हैं, और इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है। जैसे अगर हम बात करें लास्ट ईयर सीरियस मैन एक मूवी आई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, उसमें हरिओम कौशिक जी ने हमारी तरह ही एक पत्रकार की भूमिका निभाई थी। तो ये सारी बातें हम और भी करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने और कौन कौन सी फिल्मों में काम किया है, और ये जो मेहनत आप देख रहे हैं पीछे, ये जो स्क्रीन लगाई जा रही है, इस तरह का जो मेहनत यहाँ पर की जा रही है एक छोटे से सीन के लिए, तो ये सब किस तरीके से ये लोग करते हैं, क्या इनका एक सिस्टम होता है, कैसे टीम वर्क करके और ये एक छोटे से सीन को फिल्मा लेते हैं। हरिओम कौशिक जी अब हमारे साथ हैं और करेक्टर में ही हैं शायद अभी, जोगिंदर सिंह जी। सर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपके दर्शकों को नमस्कार मेरा जी। सर बताएं कि यहाँ क्या क्रियाकलाप चल रहा है अभी। वही है, फीचर फिल्म बना रहे हैं और अपना हरियाणवी बैकग्राउंड पे है, और बस अभी दौर आया हुआ है फिल्मों का। गाने वाने तो हरियाणा ने बहुत हिट दिए हैं, सुपर हिट दिए हैं, फिल्में अभी बननी शुरू हुई हैं, तो हम अपने आप को लक्की समझते हैं कि इस दौर में हम भी लगे हुए हैं शुरुआती दौर में। अच्छा, ये शुरुआती दौर है क्योंकि फिल्में अभी, जैसे आपने बताया कि गाने ही बन रहे हैं पहले से, और अभी प्रोडक्शन हाउस, ऐसा भी कुछ हमने आपका पोस्ट देखा था कि आपका ही प्रोडक्शन हाउस है, उसी बैनर के तले बन रहे हैं। हाँ, अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस अपन ने रजिस्टर्ड किया है मुंबई में, ओम कौशिक फिल्म्स के नाम से। और चूँकि मुंबई में अगर अपने को फिल्म करनी है तो करोड़ों का बजट होना चाहिए, कई करोड़ों का, लेकिन अपन हरियाणा, फिर वही ना, मुंबई में काम होता है बहुत सालों से, फिल्में बन रही है और भी बनती रहेंगी, तो किसी भी व्यक्ति की एक, मैं तो ये कहूँगा, जिम्मेदारी होती है कि वो अपने देश समाज क्षेत्र के लिए कुछ करे, वहाँ की कंटेंट कहानियाँ उठाएँ और उन कहानियों को बड़े पर्दे पर, OTT पर या फिर लोगों के बीच में लेकर आएँ, तो वही एक प्रयास में हम लगे हैं जी। बहुत अच्छी बात है। ये कौन सी मूवी की शूटिंग चल रही है अभी फ़िलहाल? जो प्रोजेक्ट है तोता फिल्म का नाम है जी। और जिसका प्रोड्यूसर अपन है, लेकिन जो अपना डायरेक्टर है विपिन मालावत, पास आउट है सुपुआ इंस्टीट्यूट से, और इसमें आर्टिस्ट जो हैं वो पूरे ऑल ओवर हरियाणा से हैं, मुंबई से भी हैं। लीड जो एक्ट्रेस है वो मुंबई से हैं, राजू मान सर हैं, चंद्रा ओल्ड टाइम से बहुत पुराने एक्टर हैं वो हैं, अभिमन्यु यादव हैं, मनीष कुमार हैं, पुलकित आर्य हैं भिवानी से। तो ऐसा करके हमने पूरे हरियाणा से जो हमें लगा कि इस कैरेक्टर के लिए कैपेबल है उनको हमने बुलाया। अच्छा, किस तरीके की फिल्म है ये? फिल्म तो देखो, आप देख भी रहे हैं, मैं वर्दी में बैठा हूँ, पुलिस वाले के ऊपर, उनकी लाइफ पे ऊपर आधारित है। हम पुलिस वालों को एम ही ले लेते हैं जबकि ऐसा नहीं है, उनका भी परिवार होता है। जब बेचारे ड्यूटी पे होते हैं सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, और ख़ासकर जब उनको कोई टास्क मिलता है, कोई ऐसा केस आता है, क्राइम या कोई भी ऐसा है, तो वो कितनी शिद्दत के साथ और रात दिन एक करके माइंड के साथ वो उस चीज़ को शॉर्ट आउट करते हैं, और उसी से हमारा देश समाज अंदर, जो बाहर तो हमारे फौजी भाई लगे हुए हैं सीमा बॉर्डर पर, अंदर हमारे देश को जो बचाए हुए, सुरक्षित किए हुए, वो पुलिस वाले हैं। और जैसे आपने बताया कि पुलिस वाले बड़ी मेहनत करते हैं, मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है कि आप लोग भी काफ़ी बड़ी मेहनत करते हैं एक छोटे से सीन फिल्माने के लिए। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी कोशिश है कि आप अपने क्षेत्र के अंदर यहाँ के युवाओं को साथ लेकर और फिर ये काम कर रहे हैं। हाँ, मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ के युवा इसमें शामिल हैं या नहीं है? युवा जो इंटरेस्टेड थे, तो हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी कि भाई हम ऐसी फिल्म बना रहे हैं महेंद्रगढ़ में, तो हमसे कोई भी जुड़ना चाहता है किसी भी तरीके से, तो वो अपने मेल हमें कीजिएगा,
हम फिर उनको उस तरीके से हम जोड़ेंगे। तो अभी हमारे पास 10-11 लड़के हैं आसपास क्षेत्र के, महेंद्रगढ़ के आसपास के, जिनको हमने शुरुआती दौर में जो जो उन जितने वो कैपेबल हैं, जिस काम को कर सकते हैं, उनको हमने वो ड्यूटीज़ दी हुई हैं। आने वाले टाइम में वो परिपक्व होएंगे, हम उनको और थोड़ी बड़ी जिम्मेदारी देंगे। देखिए वो 10 लड़के तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मेरे को काफ़ी भीड़ दिखाई पड़ रही है। मतलब ये लगा लीजिए कि छोटे से छोटे काम करने के लिए, बड़े से बड़ा रोल करने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये टीम कहाँ से हैं और ये साथी कैसे यहाँ तक पहुँचे? ये डिपार्टमेंटल है। जैसे शादी में जैसे अपने क्या होता है कि भाई खाने की व्यवस्था अपने बाबू और नहीं कहते यार, तू भाई तू खाने की ड्यूटी तेरी है, गाड़ी गुड्डी बन तू लगवाइए, और जो बुआ फूफा आ रहा है उनके सामान तू लेके दे, तू रविंदु है अपना सेट की कौन देख रेख कर रहा है, कॉस्ट्यूम कौन कर रहा है, खाने की व्यवस्था कौन कर रहा है, अपना कैमरा कौन चलाओगा, कैमरा ले कर कौन आओगा। ऐसे करके हमारी लगभग काफ़ी बड़ी टीम है और वो हर बंदा अपना अपने स्ट्रीम का अपने काम का मतलब बहुत ही एक्सपर्ट बंदे यहाँ पे हैं। तो फिर एक दूसरे के काम में दखलंदाजी करते नहीं, लेकिन अपने काम में 100% वो लोग देते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं 10 से 15 सेकंड का कोई हमें फिल्म निकालनी है तो उसके लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं। हाँ, मैंने खुद आकर यहाँ पर देखा है, काफ़ी देर हो गई मुझे, लंच ब्रेक हुआ तब जाके आपने मुझे टाइम दिया, बाकी एक सीन को फिल्माने के लिए यहाँ पर घंटों लग रहे हैं। एक अच्छी बात, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अच्छा, हमारे दर्शकों को वैसे तो मैं पहले एक बार बता चुका कि आपने सीरियस मैन नामक एक मूवी थी उसमें आपने अभिनय किया है, लेकिन इसके अलावा भी आप कई बॉलीवुड फिल्मों से जुड़े हैं, चाहे वो कास्टिंग के तौर पर या चाहे एक्टिंग के तौर पर। तो एक बार दर्शकों को बताएँ कि ऐसी कौन कौन सी फिल्में हैं जिनके साथ आप जुड़े हैं। कास्टिंग में थोड़ा सा काफ़ी अच्छे प्रोजेक्टों के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला, जिसमें उद्धम सिंह है अभी जो चल रही है अपनी, और गुलाबो सिताबो है, और सांड की आँख है जिसमें हम हरियाणवी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज सिखाई थी तापसी और भूमि मैम को जी। और धर्मा की आ गई, विक्रम बत्रा भी आई थी, और गुंजन सक्सेना इसमें कास्टिंग असिस्टेंट के नाते थे। बाकी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, एक्टिंग के लिए सीरियस मैन हो गई, अभी शाहरुख खान सर की एक फिल्म करके आया हूँ पिछले 15-20 दिन पहले मुंबई, 10-15 दिन का शेड्यूल था। तो बट विज़न वो नहीं है अपना, जो विज़न ऐसा नहीं है, मुंबई में काम मिलने लग गया अच्छा खासा, लेकिन दुनिया कर रही है मैं भी कर लूँगा, कोई क्या फ़र्क पड़ा। वहाँ से सीख कर पहले तो पढ़ाई की इस चीज़ की, फिर मुंबई में देखा कि करते कैसे हैं, अब करेंगे अपने यहाँ हरियाणा में, कोशिश करेंगे यहाँ के सिनेमा को, यहाँ के रीजनल चीज़ों को उठाएंगे। तो मेरा बड़ा विज़न है नहीं वहाँ काम करने का इतना कुछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ पर जो साथी होंगे, किसी भी साथी की जिसकी आज भूमिका हो, या फिर ऐसे कोई साथी जिनसे आप हमें मिलवा सकें, जो करेक्टर में हो या फिर डायरेक्टर सर हो या कोई भी जिस साथी से भी आप मिलवा सकें यहाँ पर जो भी। जी जी हाँ जी, हम लोग कलर पैलेट देखते हैं पहले, सीन का क्या है, लोकेशन के हिसाब से कैरेक्टर के।